नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, आपने उनको अक्सर देखा होगा दंगल में। जब मुकाबला होता है तो बड़ा रोचक होता है, कभी कोई किसी को पटकनी देता है, कभी कोई किसी को पटकनी देता है, लोगों की नज़र अंक तालिका पर बनी होती है। तो राजनीति का जो यानी कि जो सियासी अखाड़ा है उसमें भी जो दंगल हुआ है वो भी बड़ा रोचक है। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव की मतगणना का काम तेजी से जारी है। सुबह जब बैलेट पेपर खुले, तब जो डाक मतपत्र थे वो जब खुले, तब लगा कि कांग्रेस को बहुमत मिल जाएगा, जिस तरीके से आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, घड़ी की सुई जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आंकड़े भी तेजी से बदल रहे हैं और हरियाणा का जो सियासी दंगल है रोचक होता चला जा रहा है। कांटे का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस जो कि रुझानों में स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी थी, वो फिसल गई है। 38 सीटों पर इस समय कांग्रेस नजर आ रही आगे और बीजेपी 46 सीटों पर। 10 साल राज और फिर वापस तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश करती बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन आंकड़े हैं, शुरुआती आंकड़े हैं। देखना होगा कि अगले एक दो घंटे तक अगर यही स्थिति बरकरार रहती है तो निश्चित रूप से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई थी वो बढ़त उसने गंवा दी है। डबल की बढ़त थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने बढ़त गंवा दी है। कांग्रेस के लिए माना जा रहा था कि एक आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है, जैसा कि शुरुआत में रुझान दिखा रहे थे। लेकिन अब रुझानों में पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है और ऐसा हमने और भी चुनाव में देखा है कि जो शुरुआती जो रुझान होते हैं वो दिखाते हैं कि एक तरफा जा रही है, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम्स खुलती हैं गांवों की और जिस तरीके से मतगणना बढ़ती है, जो बड़े जो एरिए होते हैं वहां से जब ईवीएम्स खुलती हैं तब जाकर स्थिति साफ होती है। तो इस तरह से हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है कि हरियाणा में बीजेपी 46 सीटों पर और कांग्रेस 38 सीटों पर, अन्य 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। खास बात यह है कि विनेश फोगाट, जो कि जुलाना से कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक चला था उनको उतार के, और जिस तरीके से वहां पर जुलाना में आज तक अगर हम देखें, अब तक हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव का जो इतिहास रहा है, वहां पर 3 बारी कांग्रेस जीती है। तो कांग्रेस ने वो सीट अपनी झोली में डालने के लिए विनेश फोगाट को वहां पर अपना कैंडिडेट बनाया था, लेकिन विनेश फोगाट भी पीछे चल रही हैं। तमाम कांग्रेस के कई बड़े नेता पीछे हो गए हैं। तो दिख रहा है कि बीजेपी ने जो अंतिम 10 दिनों में चुनाव लड़ा था, जिस तेजी के साथ, जिस मजबूती के साथ, जिस एकजुटता के साथ, शायद वो काम करता दिख रहा है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो दिखा रहे हैं कि जाट बेल्ट में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। और जिस तरीके से माना जा रहा था कि 36 बिरादरी का जो समर्थन मिलने का दावा कांग्रेस के नेता कर रहे थे, लेकिन अब जो परिणाम या जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, वो दिखा रहा है कि बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 10 साल तक शासन करने के बाद यदि कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता में लौटे तो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। उत्तर भारत में उसका मजबूत किला बना हुआ है हरियाणा, और हरियाणा में अभी 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 5-5 सीटें बटी थी, लेकिन बीजेपी अब उस अपनी टैली को आगे बढ़ाने के लिए, उस समय बीजेपी 44 सीटों पर आगे थी, लेकिन आज अगर 46 पर आगे है और अगर इससे और आगे जाती है तो यानी कि उसने मेहनत करके अपना जो आधार है उसको बचाया है, बढ़ाया है। तो हरियाणा का जो नतीजा है वो चौंकाने वाला है। पल पल आंकड़े बदल रहे हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखना होगा कि सियासी दंगल जो हरियाणा का है उसमें और आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार का जो रुतबा है वो बरकरार रहा है। हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में हालांकि अब्दुल्ला फैमिली को झटका लगा था, उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए थे, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। 49 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है। पीडीपी 2 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है, पीडीपी ने अलग चुनाव लड़ा था, और बीजेपी 22 सीटों पर, ये 22 की 22 बताई जा रही है कि ये जम्मू क्षेत्र में ही है। 17 लोग जो अन्य हैं, 17 एक बड़ा आंकड़ा है, और ये देखना होगा कि क्या ये जो 17 आंकड़ा है ये 22 के साथ मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि बीजेपी के नेता ये शुरुआत से दावा कर रहे हैं कि हम निर्दलीयों के समर्थन से हम सरकार बनाएंगे। अभी 5 विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है, तो वो 5 भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को वहाँ पर एक बड़े, सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो किसी और पक्ष में भी जा सकते हैं, बीजेपी के नेतृत्व में या और भी कोई समीकरण बन सकता है जम्मू कश्मीर की राजनीति में आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं, हम आपको बता दें कि ताज़ा आंकड़े ये हैं कि हरियाणा में 46 पर बीजेपी, 38 पर कांग्रेस और 6 पर अन्य। और अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो
49 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन, 2 पर पीडीपी बीजेपी, 22 पर 17 अन्य पर चौंकाने वाले आंकड़े हैं और तमाम एग्जिट पोल भी फेल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल्स ने हरियाणा में कांग्रेस की आंधी सुनामी की भविष्यवाणी की थी और कांग्रेस और एनसी को वहां पर जिस तरीके से आगे दिखाया था वो वहां पर जम्मू कश्मीर के मामले में सही दिखाई दे रहा है, लेकिन हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल फेल होते नजर आ रहे हैं। जनता ने बड़ा ही रोचक मुकाबला बना दिया है। क्या है इस मुकाबले में आगे का जो अंक तालिका, थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ेंगे और आपको फिर बताएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।